सत श्री अकाल इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार अज गल करांगे सीएम भगवंत मान के उस बयान की जिदे आधार के उत्ते अज एक चर्चा का विषय बनया पंजाबी नूं लैके पंजाबी मां बोली नूं लैके मान सरकार दे वल्लों वड्डा फैसला लिता गया। पंजाब सरकार दे वल्लों अज पंजाब पंजाबीयत पहल की गल की गई है जिस विच सरकारी नौकरी लई योग्यता टैसट च मां बोली पंजाबी नूं लाजमी किया गया। टैसट च घट्टो घट 50% नंबर जिहड़े ने उह लाजमी होणगे। भगवंत मान ने कहा कि मां बोली पंजाबी सारी दुनिया च साडी पहचान है। सरकार दे वल्लों कुछ समा पहले 26,754 नौकरियां का ऐलान किया गया सी। इसलिए भी ये वड्डा फैसला किया जा सकता है क्योंकि जेकर इदा होवेगा तो पंजाबी की जगह पंजाबियों की जगह जिहड़े बाहरी लोग ने उन्हां नूं नौकरियां नहीं मिल सकणगियां। सो सरकार दे ये आदेश ग्रुप सी जो कि कलैरिकल दे लई और ग्रुप डी चपड़ासी और सफाई कर्मचारियों की कैटेगरी दे लई ये सरकारी भर्ती ते लागू होणगे। सो मान सरकार दे वल्लों ये जिहड़ा वड्डा फैसला लिता गया इहदे उत्ते जिहड़ा नौजवानों दे विच एक उत्साह भी देखा जा रहा क्योंकि बहुत सारी देर तो जिहड़े नौजवान सी उन्हां दा कहना यह सी कि बाहरी लोग जिहड़े आ के पंजाब दे विच नौकरियां जिहड़ियां साडा हक बनता है उहदे उत्ते बाहरी लोग आ के नौकरियां दे उत्ते काबज हो जांदे ने। सो जिहड़े साडे नौजवान ने उहनां नूं पूरा उन्हों का हक नहीं मिल पाता। सो सीएम भगवंत मान के वालों जो ट्वीट किया गया वह भी तुहाडे नाल सांझा करदे आ। वह कह रहे हैं कि पंजाब पंजाबीयत पहला सरकारी नौकरियों लिए योग्यता टैसट के मां बोली पंजाबी नूं लाजमी किया। टैसट च घट्टो घट 50% अंक जिहड़े ने लाजमी होणगे। मां बोली पंजाबी पूरी दुनिया के साडी पहचान है। पंजाबी नूं हर पक्षों प्रफुल्लित करना साडी सरकार का उद्देश है। सो सीएम भगवंत मान के वालों ट्वीट करके ये गल लोगों के नाल सांझी की गई कि पंजाबी नूं पंजाब सरकार दे वल्लों लाजमी कर दिता गया। सो इस तो बाद आप विधायक देव मान का भी एक बयान आया तुहानूं सुना दिंदे हां। अज भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब सरकार वल्लों एक बहुत ही इतिहासक फैसला जिहड़ा पंजाब दे हक दे विच कीता गया। पंजाबी सूबा जिहड़ा लंबे समय तो मंग करदा रहा कि इत्थे पंजाबियों नूं प्रैफरेंस मिलनी चाहीदी है नौकरियां दे विच सी ते डी कैटागरी जिहदे विच लगभग 26,000 तो उपर पोस्टां जिहड़ियां ने उह आम आदमी पार्टी सरकार ने भगवंत मान साहब ने कढ़ियां ने। उहदे विच पंजाबी जिहड़ा सबजैक्ट आ लाजमी कर दिता गया और यह भी कहा कि उहदे विच 50% तो उपर नंबर होने लाजमी ने कि उन्हां नूं जिहड़ी आ पहल मिलेगी। सो पंजाब दे विच इस गल नूं लैके जिहड़े नवें नौकरी दी भाल दे विच ने उन्हां दे विच खुशी दी लहर और पंजाब दे विच इक बहुत अच्छा जिहड़ा इह वड्डा कदम जिहड़ा भगवंत मान सरकार ने चुकिया और लंबे समय तो पंजाबी जबान बोलते सारे लोगों की यह बहुत वड्डी मंग सी जिहनूं अज भगवंत मान सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरा किया। सो मान सरकार दे वल्लों एक वड्डा फैसला जिहड़ा उह लिता गया जिहनूं लैके नौजवानों दे विच तां उत्साह है ही। उन्हां दे विधायक दे वल्लों भी यह गल कही गई है कि नौजवानों की बहुत देर तो यह मंग सी कि उन्हां दे लई जिहड़े वधिया फैसले लिते जाण उन्हां दी जिहड़ी नौकरी है उन्हां दा जिहड़ा हक है वो बाहरले लोग ना लै सकन। इस करके कोई ऐसे कानून बनाया जाए कि जिहदे विच जिहड़े पंजाबी ने उन्हां नूं तरजीह दित्ती जावे। सो इहदे मद्देनज़र ही अज पंजाब सरकार दे वल्लों वड्डा फैसला किया गया जिहदे विच सरकारी नौकरियां दे योग्यता टैसट दे विच मां बोली पंजाबी नूं लाजमी किया गया। सो इहदे विच टैसट दे विच घट्टो घट 50% जिहड़े ने वो अंक होने लाजमी ने पंजाबी दे विच पंजाबी भाषा दे विच 50% अंक होने लाजमी ने और मां बोली पंजाबी पूरी दुनिया दे विच साडी पहचान है। सीएम भगवंत मान दे वल्लों यह वड्डी गल कही गई है कि मां बोली पंजाबी सारी दुनिया दे विच साडी पहचान है। पंजाबी नूं हर पक्षों प्रफुल्लित करना साडी सरकार दा उद्देश है। सो सरकार दे वल्लों यह वड्डा फैसला क्यों लिया गया उहदा एक होर कारण बहुत वड्डा क्योंकि पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहलां 26,754 नौकरियां दा जिहड़ा उह ऐलान कीता सी। इन्हां नौकरियां दे उत्ते हुण जेकर पंजाबियां दी जगह बाहरी लोग नौकरियां लैणगे ते पंजाबी कित्थे जाणगे। सो इस फैसले नूं इन्हां नौकरियां दे नाल जोड़ के जे देखा जावे ते बहुत वड्डा फैसला है क्योंकि यह फैसला अजे ग्रुप सी ते ग्रुप डी दे लई आया है। ग्रुप सी दी जेकर गल करिए ग्रुप सी दे विच कलैरिकल कैटागरी दे जिहड़े नौकरियां निकलदियां ने और ग्रुप डी दे विच चपड़ासी ते सफाई कर्मचारी जिहड़े हुंदे ने उहनां दीआं नौकरियां जिहड़ियां इस कैटागरी दे विच आउंदियां ने। सो इन्हां दोनों कैटागरीज़ दे लई ये जिहड़े ऐलान ने उह कीते गए ने पर इस तों इलावा भी आने वाले समें दे विच हो सकदा है कि सरकार दे वल्लों होर वड्डे फैसले लिते जाण मां बोली पंजाबी नूं लैके।
माँ बोली पंजाबी नूं लैके बहुत सारे नौजवानों के अज साडे कोल सवाल भी आए हैं। सो साडे नाल आप दे बुलारे जुड़नगे, होर पार्टियां दे बुलारे जुड़नगे, उन्हां दे नाल सलाह मशवरा भी करांगे कि पंजाबी माँ बोली नूं लोकां तक वधिया तरीके नाल लैके जाण दे लई, नौजवानों दे विच इहदा क्रेज़ पैदा करन दे लई की कीता जा सकदा है। जिहड़े आप विधायक होणगे उन्हां दे लई भी साडे कोल, माफ करना, आप दे जिहड़े बुलारे ने साडे कोल आए ने, उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे कि पंजाबी दे विच पंजाबी नूं अगे लिजाण लई मान सरकार दा जिहड़ा एक कदम है, एक इस कदम दे नाल होर किन्ना बदलाव आएगा और होर अगे किहड़े किहड़े कदमां दी जरूरत है सरकार नूं कि सरकार वो वाले फैसले भी लए जिहदे नाल पंजाबी बोली नूं होर जिहड़े नौजवानां दे विच प्रेरित किया जाए, नौजवान इहनूं ज़्यादा तो ज़्यादा अडोप्ट करन। क्योंकि जेकर गल करिए तो पंजाब दे विच बहुत सारे ऐसे अदारे ने जिन्हां दे विच पंजाबी नूं लाजमी नहीं किया गया, वो पुरानियां सरकारां दे वल्लों भी ऐसे आदेश जिहड़े जारी किए जाते रहे ने, पर कोई ढुकमें उन्हां दे उत्ते कार्रवाई नहीं हुई। जां कह सकदे पंजाब दे बहुत सारे ऐसे स्कूल होणगे जिथे पंजाबी बोलन दे उत्ते जुर्माना भी लगदा, पर सवाल यही है कि जेकर सरकार दे वल्लों इन्हां हदायतों नूं जारी किया गया कि आने वाले समय दे विच स्कूलों दे उपर जां कोई सरकारी अदारे ने जिहड़े उन्हां दे विच इस पंजाबी भाषा नूं, माँ बोली नूं की लागू किया जाता है, कि सरकार दे आदेशां नूं, हुक्मां नूं इन्हां अदारियां दे वल्लों मन्निया जाता है। सो इस करके ये जिहड़ी अज दी साडी गल्लबात है बड़ी अहम रहने वाली है। जिहड़े भी दर्शक साडे नाल जुड़ रहे हैं वो साडी अज दी इस गल्लबात नूं जरूर सुनन, क्योंकि इहदे उपर अज विचार चर्चा होएगी कि पंजाबी माँ बोली का साडे जीवन दे विच किड्डा वड्डा महत्व है और उस माँ बोली दे करके साडी सारी दुनिया दे विच पहचान है। क्योंकि पंजाबी सिर्फ भारत दे विच या पंजाब च नहीं बसते, पूरी दुनिया दे विच पंजाबी जिहड़े बसते ने उन्हां दे करके पंजाब नूं जाणिया जांदा है, हिंदुस्तान नूं जाणिया जांदा है। सो उस पंजाबी भाषा दे उत्ते अज विचार चर्चा करन दे लई साडे नाल आम आदमी पार्टी तो जुड़नगे, बीजेपी तो जुड़नगे, कांग्रेस तो जुड़नगे, उस सारे बुलारियां दे नाल इसी गल दे उत्ते विचार चर्चा होएगी। अज कोई ऐसी गल नहीं होएगी कि जिहदे नाल असी कोई डिबेट दे विच कोई इल्जाम नहीं लगाने, कोशिश होएगी कि अज विचार चर्चा होए इस गल दे उत्ते कि माँ बोली पंजाबी नूं असी अगे लिजाण दे लई की कर सकते हैं। पंजाब सरकार दा जिहड़ा कदम है उहदे ते चर्चा होएगी, उस तो इलावा सरकार नूं आने वाले समय च होर किहड़े किहड़े कदम चुकने चाहिए ने उहदे ते भी विचार चर्चा होएगी। अज भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब सरकार वालों एक बहुत ही इतिहासक फैसला जिहड़ा पंजाब के हक के विच कीता गया। पंजाबी सूबा जिहड़ा लंबे समय तो मंग करता आ रहा कि इत्थे पंजाबियों नूं प्रेफरेंस मिलनी चाहीदी है नौकरियों दे विच, सी ते डी कैटागरी जिहदे विच लगभग 26,000 तो उपर पोस्टां जिहड़ियां ने ओह आम आदमी पार्टी सरकार ने भगवंत मान साहब उन्होंने कढ़ियां ने, उहदे विच पंजाबी जिहड़ा सबजैक्ट आ लाजमी कर दिता गया और यह भी कहा कि उहदे विच 50% तो उपर नंबर होने लाजमी ने कि उन्होंने जी पहल मिलेगी। सो पंजाब दे विच इस गल नूं लैके जिहड़े नवे नौकरी दी भाल दे विच ने उन्हां दे विच खुशी दी लहर और पंजाब दे विच एक बहुत अच्छा जिहड़ा इह वड्डा कदम जिहड़ा भगवंत मान सरकार ने चुकिया और लंबे समय तो पंजाबी जुबान बोलदे सारे लोगों की यह बहुत वड्डी मंग सी जिहनूं अज भगवंत मान सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरा किया। अज भगवंत मान सो अज साडे जिहड़े साडे मेहमान ने साडे नाल जुड़ गए ने आम आदमी पार्टी तो इंदरजीत सिंह संधू, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी, तुसी इंडिया न्यूज़ पंजाब दे नाल जुड़े हो। और बीजेपी तो दयाल सोढी जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी, और कांग्रेस पार्टी तो दीप बाठ, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। सारे साडे मेहमान जिहड़े ने साडे नाल जुड़ गए ने, सब तो पहला सवाल मेरा दीप बाठ उन्हां नूं, जिहड़ा अज सरकार दे वल्लों फैसला लिता गया, तुसी इस फैसले नूं किस तरह देखदे हो कि पंजाब दे विच पंजाबी और पंजाबीयत नूं पहल देण दी गल कीती गई है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि बहुत स्वागत करते हैं फैसले का, बहुत वधिया फैसला है। तो इस तो पहले चन्नी साहब जी ने भी जो पंजाबी भाषा के लिए किया पंजाबी यूनीवर्सिटी के जिन्ना करजा से वह माफ़ किया, तो जो पंजाबी यूनीवर्सिटी मात्र पंजाब की यूनीवर्सिटी जी भाषा आधार पर बनी उस बजट वधा के एक चंगी मिसाल पैदा की, फैसला लिया चंगा पंजाबी
चंगा ही होगा। बस एक उम्मीद है कि कदे गल्लां सुन के ना रह जान ते हो जान। सो बहुत चंगी गल आ, पंजाबी माँ बोली ने सानू बहुत कुछ दिता है ते साडा भी जिहड़ा इक इलाकी फर्ज बनता है कि अपनी माँ बोली नू प्रफुल्लित करिए। जी जी, दयाल सोढी जी बीजेपी तो साडे नाल जुड़े ने। दयाल सोढी जी, अज दा जिहड़ा फैसला है, तुसीं इस फैसले नू किस तरह देखदे हो? पंजाब दे पंजाब पंजाबीयत दी पहल दी गल कीती गई है। देखो इस तरह जी, मैं पंजाबी होण दे नाते ये जिहड़ा फैसला कीता है मैं इहदा स्वागत करदा और सरकार दा भी धन्नवाद करदा। लेकिन समय समय दीआं जो पिछलियां सरकारां रहीआं उन्होंने भी अपने हर संभव कोशिश की कि जिहड़ी साडी पंजाबी माँ बोली है जिहदा बहुत वड्डा रुतबा है। मैं इत्थे एक गल करनी चाहूँगा कि किसी विद्वान ने कहा है कि जे किसी नूं कोई दुआ देनी होवे, असीस देनी होवे, ते उहनूं कहो कि तेरी जिहड़ी उम्र है वह लोक गीत जिहदी लंबी होनी चाहीदी है जी। लेकिन जे किसी नूं बददुआ देनी होवे ते उहनूं कहो कि तू अपनी माँ बोली भुल जा। जणी देखो किड्डा वड्डा दोनां लैणां दे विच रस है कि अपनी जिहड़ी पंजाबी माँ बोली किसी भी सूबे की बोली है उहदा उस सूबे दे विच बहुत वड्डा महत्व है जी। सो मेरा कहना यह है कि जे समय दीआं सरकारां ने अपने तौर पर उपराले कीते ने ते जे कोई पिछलियां सरकारां दे उपरालियां च कमियां रहियां ने ते मैं कहना कि जिहड़ी मौजूदा सरकार है उहनूं उहनां कमियां नूं दूर करन वास्ते पंजाबी माँ बोली नूं प्रफुल्लित करन वास्ते पंजाबी माँ बोली नूं उच्चा रखन वास्ते सिर तोड़ जतन करने चाहीदे आ। और इहदे विच मैं समझदा कोई पार्टी वाली गल नहीं, जिथे भी सारियां पार्टियां चाहे कांग्रेस भी है वह भी सत्ता च आई उन्हें भी पंजाबी माँ बोली नूं उच्चा चुकन की कोशिश की, अकाली भाजपा सरकार भी आई और असी भी भाजपा चाहे पार्टी के नुमाइंदे हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब है जिहड़ा वह इकाई भी इस गल दे विच सरकार की हर मदद गल करन नूं तैयार है कि पंजाबी माँ बोली की कदर होनी चाहीदी है। सो इस करके मैं तो इत्थों तिकर भी कहना है कि जिहड़े साडे अदालतों के फैसले ने उन्हां फैसलों की भी जिहड़ी शब्दावली है वह माँ पंजाबी माँ बोली दे विच होनी चाहीदी जी। क्योंकि क्योंकि अंग्रेजी दे विच बहुत सारे लोग यह होंदे ने कि वह अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन जे वह पंजाबी दे विच अनुवाद उहदा हुंदा है तो मैं कहना कि जिथे एक बंदा उन्हूं पढ़ भी सकता जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता नाल दूजे पासे साडी पंजाब पंजाबी माँ बोली का एक सत्कार भी है। तो इस करके जिहड़ा फैसला किया स्वागत करते हैं, लेकिन जिन्हें भी पंजाबी माँ बोली लई सिर तोड़ जतन किए जाण मैं समझा उहदे नाल जिहड़ी साडी पंजाबी माँ बोली है वह प्रफुल्लित हो सकती है जी। ठीक है जी, आम आदमी पार्टी तो इंद्रजीत सिंह संधू साडे नाल जुड़े ने। संधू साहब, जिहड़ा फैसला अज तुहाडी सरकार ने लिता है पंजाबी पंजाबीयत पहल पहले नंबर ते रखण दी गल कीती है, तुसीं इस फैसले नूं किस तरह देखदे हो? बिल्कुल, इह जी शुरू पंजाबीयत जिहड़ा है अज दे इस फैसले दा माननीय मुख्यमंत्री सरदार जिहड़ा फैसला कीता है पंजाबीयत स्वागत करदी है। हर पार्टी हर जिहड़ा इत्थों दा पंजाब जां देश विदेश किते वी बैठा है उस फैसले नूं बहुत गौर नाल वेख रिहा है और बड़ी प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। और जिहड़ा भी कोई भी व्यक्ति है जिहड़ा अपनी माँ बोली दे विच कोई गल कर सकता है किसी भी गल की जिहड़ी पेशकारी है वह जिहड़ी माँ बोली दे विच हो सकती है वह किसी भी दूजी जबान दे द्वारा विच नहीं हो सकती जी। और साडी बोली जिहड़ी पंजाबी है इहनूं प्रमोट करन वास्ते सानू हमेशा जिहड़ा है अगे वधना चाहिए, सानू इहदे लई उपराले करदा रहना चाहिए। पर एक मैनू रंज भी है, अफसोस भी है कि पिछले समय दे विच उन्ना काम नहीं हो पाया, बल्कि जिहड़ियां जिहड़ियां जिहड़े पंजाबी भाषा दे उत्ते जिन्ना जिवें असीं कर सकदे सी भावें उत्थे सरकारी स्कूल सन उह सरकारी स्कूल एक नीति तहत जिहड़े ने उह फेल कर दिते गए, जिहड़े सरकारी टीचर सन उह जिहड़े होर कम्मां ते जिहड़े वाधू दे कम्म सन उहनां ते लाए जांदे सन, और जिहड़ा इसे करके जिहड़ा लोकां दा मुहाड़ है जिहड़ा प्राइवेट स्कूलों वल हो गया और जिहड़े प्राइवेट स्कूल भी सन उत्थे भी जिहड़े जिहड़े पंजाबी बोलण ते जिहड़े जुर्माने लाए जांदे रहे और
पंजाबी जो बोलण ते जिहड़ा उहनां नूं सज़ा दित्ती जांदी रही। इस करके जिहड़ियां इहो जिहियां घटनावां हुंदियां रहियां बहुत ही निंदणयोग सन। और सानू चाहीदा कि जिवें पंजाबी जिहड़ी वध तों वध प्रफुल्लित हो सके। पर मैनू इह वी अफसोस आ कि जिहड़ा ने इस चीज़ नूं प्रमोट करना सी ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੰਬਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 80% ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 70 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 26,754 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ 50% ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਣਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੂਗੀ ਫੁੱਲੂਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹ 50% ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ, ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਆ ਸਿਰਫ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ,
उन्हां दा भी एक ट्रेंड बन गया। तो मैं आम तौर पर जो समाज के विचरते हाँ जी, तो कई लोग मैं देखे कि चाहे वह पिंडां दे विच बड़े होण, तो कई लोग पंजाबी बोलन दे विच तौहीन समझते ने, शर्मिंदगी मानते ने जी जी। और मैं ये भी देखे कि वो अपने आप को दिखाना चाहते होंगे है कि जो दो चार बंदे बैठे ने, तो दो बंदे कोई अंग्रेजी थोड़ी समझने वाले जानते या बोलने वाले है, जो वह बोलते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि जेडे मेरे को लोग बैठे ने, हो सकता है भी ये अंग्रेजी समझ ना सकते हो बोल ना सकते हो, अपनी इस गल उच्चा रुतबा समझते हैं कि मैं अंग्रेजी में गल कर रहा। लेकिन मैं कहना कि साढ़े समाज का भी कसूर है, साढ़े समाज का यह कसूर है कि असी जेडे पंजाबी मां बोली नूं प्यार करन वाले लोग हाँ, जेडे ये स्कूलों के फैसले ने जिथे सरकारां सख्ती नाल हुक्म लागू कर दियां ने और उन्हां हुक्मां नूं थले तक लागू करना अफसरां दा काम हुंदा है। और मैं मैनूं याद है कि पिछले जो बादल साहब की सरकार सी 97 वाली, उदों भी काफ़ी सख्ती दे विच पहला पहला ये फैसले लागू किए सी कि हर दफ्तर का जिहड़ा हुक्म होगा वो पंजाबी भाषा में होगा, हर IAS जिहड़ा अफसर है वो अपना कोई भी नोट करेगा वो अपनी नोटिंग पंजाबी विच लावेगा। वो कुछ टाइम तो लागू रहा लेकिन पिछों आके फिर वह जिहड़ा सीगा उहदी हवा निकल गई। तो मेरा कहना यह है कि जे उन्हां स्कूलों उत्ते कार्रवाई करन दे हुक्म जारी होए ने, तो मैं समझना वो हुक्मां दी पालना होनी चाहिए है जी। और दूजी समाज नूं भी चाहिए साडे लोकां नूं कि असी अपनी पंजाबी मां बोली नूं छड्ड के, ठीक है कि अज कंपीटीशन दा युग है, सानूं पता है कि साडे बच्चे बाहर भी जांदे ने जां बाहरों भी कोई अफसर आउंदे ने। मैं नहीं कहिंदा कि अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहीदी, मैं इसकी कोई निंदा नहीं करता, लेकिन जिहड़ा पहला स्थान है वो साडी पंजाबी भाषा का होना चाहिए। सानूं कदे भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जे साडे स्कूलों च बच्चे पढ़ते हैं तो जिहड़े स्कूल पंजाबी बोलण दे उपर पाबंदी लाउंदे ने, जिथे उत्थे सरकार ने सख्ती करनी है उत्थे साडे मापिआं दा सहयोग भी बनता है कि असी पंजाबी भाषा नूं इस तरह का निरादर करन ना देईए जी। जी ठीक है, मेरा सवाल हैगा संधु साहब, संधु साहब एक बहुत सारे नौजवानों के सानू जिहड़ा सवाल आया ज़्यादा मात्रा दे विच सानू सवाल सुनन नूं मिलिया कि नायब तहसीलदारां दीआं भर्तियां होईआं पिछले दिन, उहदे विच जिहड़ा पेपर सी ओह पंजाबी दे विच नहीं आया, हुण अज जो सरकार दे वल्लों फैसला लिता गया तो उन्हां नौजवानों का कहना है कि वह पेपर दुबारा पंजाबी च होएगा। देखो ये जिहड़ा हुक्म है ये पता लगेगा भी इहदे विच कुछ इस तरह का किया जाता है कि नहीं, पर जिहड़ा हो गया हुण तक मैं उहदे ते अपनी प्रतिक्रिया जदों तक उत्थों सरकार वल्लों नहीं आउंदी उदों तक नहीं कर सकता, पर मैं इन्नी जरूर बेनती करदा कि फ्यूचर दे विच जिहड़ियां भी नौकरियां निकल गईआं उन्हां दे विच पंजाबी 50% जिहड़ा हैगा वह अंकों के नाल होनी लाजमी है, जरूरी की जाएगी और की गई है, अज तो लाण ही नहीं कला होया, समझ लो कि ये चीज़ जी लागू होगी। और मैं ये नवीन जी एक आप जी के होर ध्यान च लिया चाहना भी 10वीं ते 11वीं दे इतिहास नूं जिहड़ा तुहानूं पता है कि 11 उहदे विच बहुत कुछ जिहड़ा गलत दर्ज किया गया सी, जिन्हां दे विच पिछले दिन ही धरनाकारी सन सरदार बलदेव सिंह सिरसा होरी वो लगातार जिहड़े धरने उत्तर बैठे हुए सन, ते मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान होरां ने वो जिहड़े लेखक सन उहनां ते भी कार्रवाई की, जिहड़े पबलिशर सन उहनां ते भी जिहड़ी कार्रवाई दे जिहड़े हुक्म जिहड़े ने उह दित्ते। मैं समझदा भी हर तरीके सानू बहुत पक्षी तरीके सानू हर तरीके सानू जिहड़ा पंजाबी नूं बचाउण दे उपराले करने पैणगे। तुसीं ये भी देखो कि रोड़ां दे उत्ते जिहड़ा वो उत्ते अंग्रेजी फिर हिंदी फिर थल्ले पंजाबी और किवें लोकां ने फिर कुची मार मार पंजाब दे लोकां ने वो चीज़ नूं फिर बदलिया सी भी उपरले पासे पंजाबी आऊगी। सो हर वार पंजाब दे विच ही कई वारी आपां बेगानगी वाला माहौल जिहड़ा है वो बन जांदा है, कोशिश आपां ये करिए कि जिथे पंजाबी नूं आपां प्रफुल्लित करना है, पंजाबी नूं जिहड़ा बचाउण वास्ते भी जिहड़े ने आपां लगातार जिहड़े ने उपराले करने ने। और जिहड़ी तुसीं ये गल कीती जिहड़ा फ्यूचर दे विच भविख दे विच जिथे भी किते इस तरह होऊगा जिहड़ियां नौकरियां निकलणगियां उहनां दे विच पक्के तौर ते अज ऐलान कर दिता और कह भी दिता और असीं इस गल दा पूरा वचनबद्ध और तुहानूं भरोसा दिवाउने आ अज ये चैनल दे जरिए कि असीं जिहड़ा इहदे इहनूं पूरी तरह लागू करांगे जी। सोढी साहब, सोढी साहब कुछ कहना चाहुंदे ने? मेरा कहना यह है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के भाई साहब ने गल करी है
लेकिन मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने भी ये नोटिफिकेशन उसे जारी करके हुण ये गल लागू करती है कि किसी भी सूबे दे विच जिहड़ी उत्थों दी खेतरी भाषा होगी तो जिहड़े बोर्ड होणगे उन्हां दे उपर वह खेतरी भाषा का जिहड़ा हैगा किसी पिंड का या जगह का जो भी है संकेत देना है वह उत्थों दी खेतरी भाषा दे विच ही होवेगा। यह भी पिछले दिनां दे विच बहुत वड्डा फैसला होया है। सो मैं यही कहना है कि पहला कोई भी जिहड़ी लहर है वह कल्लियां सरकारां नहीं कर सकदियां हुंदियां, सरकारां नूं लोकां दा सहयोग चाहीदा हुंदा है। सो इस करके असीं तां कहिंदे हां कि जे पंजाब सरकार ने यह फैसले लागू किए ने तो इन्हां दा पूरी सख्ती दे नाल पालना होवे ते असीं सारे पंजाबी होण दे नाते इन्हां दा सहयोग करांगे जी। पर सोढ़ी साहब मेरा एक सवाल तुहानूं होर है कि विधानसभा चोणां दे विच 2022 दी मैं गल कर रहा उस तो पहला बहुत सारिया सियासी पार्टियां ने तो इतने तक कह दिता कि बाहर जाने लिए असी बच्चों लोन देवे असी आईलैट सेंटर भी उन्होंने सरकारी तर्ज पर भी खोल देंगे, बहुत सारिया ऐसा गल्ला की गई आईलैट सेंटर खोल देंगे बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं। सो जो जेकर आप बच्चों बाहर में भेजन की कोशिश कर रहे हैं तो नैचुरली गल इंग्लिश सीख के जाएंगे फिर पंजाबी वालू क्यों हो गए। देखो जिहड़ियां पार्टियां ने कोई चोन मैनीफेस्टो अपन गल्ला लिखिया वह उन्होंने पार्टियां का अधरूनी मामला है, लेकिन इन्हां गल्लां उत्ते किंतु परंतु जरूर उठते हैं कि असी अपने सूबे दे विच ही इहो जे हालात पैदा करिए इहो जी इंडस्ट्री लिआईए इत्थे इत्थे रुजगार के धंधे पैदा करिए जिहना साडे जिहड़े बच्चे आ उह बाहर जाण ही ना। सो यही तां सरकारां दी कमी है कि असी पंजाब दे विच मैं नहीं कहिंदा कि भी मतलब इस दे उत्ते कोई किंतु परंतु करा, मैं तां इह कहिंदा कि चाहे जे नवीं सरकार इत्थों दी बणी है आम आदमी पार्टी दी वह इहो जिहियां नीतियां बनावे कि जिहदे नाल इत्थे इंडस्ट्री नूं फायदा होवे, इंडस्ट्रियलिस्ट इत्थे आके अपना उद्योग धंधे लाउण, बिजली सस्ती होवे, उन्हां दा जिहड़ा सारा NOC लैणे आ इक सिंगल विंडो दे उत्ते उन्हां दा कम होवे जिवें गुजरात दे विच है, मध्य प्रदेश दे विच है, हिमाचल दे विच है। तां इस करके साडा फर्ज इह बणदा है कि असीं अपने सूबे नूं इन्ना तकड़ा करिए इन्ना रुजगार दईए कि जिहड़े साडे बच्चे है वह बाहर जाण ही ना, इहो जिहे लालच दे के ते जे उन्होंने यहोजे चोन मैनीफेस्टो दे विच अपनियां गल्लां रखियां ते मैं समझदा कि पंजाब दे लोकां ने उस गल्लां नूं स्वीकार ही नहीं कीता। जी जी बाट साहब तुहानूं सवाल है एक कि कुछ नौजवानों का कहना है भी 50% नंबर ही क्यों, टैसट तो कोई भी पंजाबी सीख के टैसट दे सकता है, सरकार नूं करना चाहिए कि पिछलियां 3 पीढ़ियां पंजाब च रहिंदियां होण उन्हां नूं सरकारी नौकरी देनी है, वह टैसट देने लिए एलीजिबल होण जिन्हां दीआं 3 पीढ़ियां पिछलियां रहिंदियां पंजाब दे विच, तुसीं इहनूं किद्दां देखदे हो, नौजवानों का सवाल है। बिल्कुल देखो बिल्कुल जायज सवाल है, मुझे लगता है कि कुछ कोई गलती होगी पंजाब जो इतने कोई लाती कंडीशन लाई हुई है कि 50% एक हाफी नहीं गल है, वैसे चाहिए है कि पंजाब दे विच पढ़िया पंजाबी भाषा 10वीं तक तो वैसे लाजमी है ही है, तो मेरे हिसाब से जी 10वीं पास है तो बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि 50% तो कुछ रह ही नहीं गया ना, कि 50% पंजाब का जमया पंजाब च पढ़िया, असल दे विच इह गल कहनी कही थी जिहड़ी कंडीशन ला के इसका मतलब है कि तुसीं शायद चाहुंदे हो कि बाहरों भी कोई आके जिहड़ा पंजाब दे विच कोई नौकरी कर सकदा, कितना कितें थोड़ी जी गुंजाइश इन्होंने छड्डी हुई है, चलो फिर भी कोई देर आवे कि देर आवे बाकी। हेलो आ गई आवाज आ रही? जी 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 सुन पा रहे तुहानूं। हाँ वो जिहड़ी कंडीशन लाई है 50% कितना कितें इह लगदा कि शायद अजे भी फैसला चंगा सही फैसला लिया नहीं गया किसी ना किसी तरीके नाल, चाहिए तो यही सीगा कि 100% पंजाबी हुण ही तुसीं सलाघा कर रहे हो उनके फैसले दी, नहीं सलाघा करदे हां चंगी गल है, लेकिन जिहड़ी 50% लई कंडीशन लाई ना इहदे विच चाहिए तो यही है ना कि जिहड़ा पंजाब दा पढ़िया होया जी जिन्हें 10वीं तक पंजाबी पढ़ी हुई है प्लस 2 तक पंजाबी है, 10वीं तक पंजाबी तो लाजमी बनती ना, इसका मतलब जो वह पूरा पंजाब का ही वासी है तो पंजाब च ही पढ़िया होगा तो पंजाबी पढ़िया होगा, दो राय नहीं हैगी। जी जी ठीक है, पंजाबी भाषा तो वैसे लाजमी है ना। जी 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 बाकी दूजी गल मैं कहनी चाहूंगा कि जिहड़ी सरकार दे हुण जिहड़ा ऐलान किया है ना इहदे जिहड़ी कॉन्वेंट स्कूल ने जिन्हां ने पहला सोढ़ी साहब भी गल करके गए इंद्रजीत जी भी गल करके गए ने जी कि बड़ा वो पंजाबी बोलते जुर्माने ला जांदे उन्हां नूं बड़ी सख्ती नाल जिहड़ा वो निपटण की लोड़ है। दूजी मैं गल कहूंगा जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है साडी साडी नौजवान पीढ़ी नूं साहित नाल जोड़ना बहुत जरूरी है लाजमी है, साडे बहुत इत्थे पंजाबी दे विच बड़े बड़े फनकार होए ने बड़े लिखारी होए ने कि जिन्हां ने बाबा बुल्ले शाह जी वारिस शाह जी हाशम शाह जी शाह मुहम्मद शिव कुमार बटालवी जी होए ने हुण पात्र जी होए ने, ते सब तो वड्डी गल है कि साडी हाजर नाजर गुरु साहिबान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज प्रथक साडे ओह पंजाबी विच अनुवाद भी तुहानूं पता सारिआं नूं
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਤ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ 50% ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ 50% ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਵੀ 50% ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 70% 80% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਬਾਠ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ 50% ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ 90% ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 50% ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ 70-80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 26,754 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬਾ ਜੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਜ਼ਟਡ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ 1 ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ
बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहला तुम्हें कह रही, जो नौजवान कह रहे हैं समय की मांग कर, जो नौजवान कह रहे उन्होंने पता होगा वो समझते हो गए, लोड़ है समय के मुताबिक चाहिए है, कोई दो राय नहीं। जे पंजाब पंजाब रहने तो पंजाबी तो पहल होनी चाहिए ना हर पास, तुम समझदार बावजूद भी उन्होंने अंदर डर है कि साड़ियां नौकरियां जिहड़ियां, क्योंकि पंजाब दे विच जे देखा जाए साडा जिहड़ा भाईचारा है चाहे बिहार तो होवे चाहे यूपी तो होवे, बहुत ज्यादा मात्रा दे विच लुधियाने वर्गे शहर दे विच अमृतसर दे विच बहुत देर तो लोग काम कर रहे हैं और तुसी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो पंजाबी ने या बिहार तो आके बसे ने या यूपी तो आके बसे ने। सो उन्हां दी लैंग्वेज भी तुसी अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि उन्होंने बच्चों के जन्म इधर लिया, स्कूल इधर पढ़े हुए आ, उस मेरे ख्याल से वो पंजाबी नूं बड़ी चंगी तरह जानते हैं। सो बच्चों के अंदर डर जिहड़ा नौजवानों के अंदर वो ये तो नहीं है कि 50% दे विच फिर साडे नाल कितें घाण ना हो जाए, भी 90% ही साडा नौकरियां दे विच जिहड़ा राखवांकरण कर दिता जाए। बिल्कुल 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 तुहाडी गल नाल सहमत हाँ। देखो इस चीज़ को वेरीफाई करना पड़ेगा, जो बच्चे पंजाब के जम्मे पले ने तो उन्होंने जो पेरेंट्स ने यूपी तो चाहे बिहार तो कितों भी आके पंजाब इतने वसे ने तो उन्होंने बिल्कुल सही गल वेरीफाई करके तो उस आधार पर जो उन्होंने जे पंजाब पढ़े ने जम्मे ने चलो चंगी गल है, लेकिन उन्होंने जी बैकग्राउंड उन्होंने फैमिली जितों बिलोंग कर जितों प्लैन करके इतने पंजाब आए हैं, उन्होंने एकमात्र उन्होंने जोड़ा सबूत है कि पंजाब के पक्के तौर पर वासी नहीं सके, उन्होंने वेरीफाई करके इन्होंने जी रुजगार के पंजाबियों पहल दे के उन्होंने जोड़ा पहल जी पंजाब की होनी चाहिए उन्होंने बाद उन्होंने बारे सोचना चाहिए सरकार ने इस चीज़ बारे जी। सोढ़ी साहब जाते जाते की कहना चाहोगे ये जो जो अज फैसला लिता गया फिर तो उसके उत्ते थोड़ी जी टिप्पणी कर सकते हो और जेकर तुहाडे कोल होर सुझाव हो सुझाव भी दे सकते हो। देखो मेरा कहना यह है कि जिहड़ा पंजाब सरकार ने फैसला लागू किया है ये उपर टिप्पणी इस करके नहीं बनती क्योंकि यह फैसला हजे अज ही या कल लागू होया जिन्होंने किया, जिहड़े दे नतीजे आउणगे वो हजे सानू वेखने पैणगे। इस करके मेरा कहना तो मैं तो यही कहना कि जे कोई फैसला लागू किया तो वो फैसला सख्ती दे नाल होवे, वो फैसला अमली रूप दे विच होवे, लेकिन एको मैं कहना कि एक ऐलान ना बन के रह जाए। सो चंगी गल है, बाकी दूजी गल है एक गल मैं इतने ऐड करनी चाहूँगा कि जेडे लोग काफ़ी लंबे समय तो बहुत चिर तो इतने आके पंजाबी पंजाब दे विच आए नौकरियां करते और पंजाबी बन गए तो जे उन्होंने जो सर्टिफिकेट पंजाब डोमिसाइल के बने हुए ने उन्होंने वोट इतने बनी हुई है पक्के उन्होंने एड्रैस ने पंजाबी उन्होंने अपनाया है ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਮਕ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? देखो मैंने एक सुझाव मैं जरूर देना चाहूंगा जे मन तो जे तुसी भी समझ दो चंगा लगे तो सब तो वड्डी गल मैं चाहना कि नवी पीढ़ी नूं साहित्य नाल जोड़न दे लई सानूं की उपराले करने चाहिए। इत्थे तुसी जानदे होगे बहुत तुसी मिले भी होगे पिंड पिंड विच ना बहुत ऐदां दे लिखारी बैठे ने जिहड़े नौजवान वीर बहुत सोहना लिखते हैं जी, बा कमाल उन्हां दी कलम है, चंगी शब्दां उत्ते उन्हां दी पकड़ है, बड़े उन्हां कोल व्याकरण ने, पर हुंदा की है कि उह जिहड़ा गरीबी दे होण करके अपनी जिहड़ी कलम है अपनी जिहड़ी कला है लिखण दी जो उन्हां दी लिखणी है वह जनता दे सामने लिया नहीं सके, लोगों की कचहरी पेश नहीं कर सके, चाहे वह गीतकार होण चाहे वह कवितावां लिखते होण चाहे वह साहित नाल संबंधित कुछ लिखते होण अपनियां भावनावां प्रगट करते हैं। असल दे विच चाहीदा है कि एक हथ जोड़ के बेनती है तुसी कर सको कि वह नौजवान जो पिंड पिंड विच बैठे ने वो छोटिया छोटिया साहित सभावां बना एक बना बनाने प्रेरिया जाए तो उन्होंने साहित सभावान जिन्ना भी सरकार हो सके वो तो उन्होंने जी मदद कर सकती हो करे फाइनैशली तौर पर क्योंकि वह वीकली हफ्ते का ज दो हफ्ते बाद एक महीना बार एक प्रोग्राम करके अपन कवितावान एक दूजे को सुना। दूजी गल है कि कुछ जे राइटर लिखारी साढ़े भरा ने वह बहुत कुछ लिखते हैं किताबा अपन जो पब्लिश नहीं कर सकते, सरकार को चाहिए है कि भाषा विभाग राही उन्होंने जोड़ा उन्हां दी लिखणी है उन्हां दी कवितावां गज़लां शायरो शायरी जां कोई साहित सभ्याचार कहानियां ने उन्हां नूं
सरकारी तौर पर पबलिश करके उन्होंने जो मान दवाया जाए। दूजी सब तो वड्डी मैं गल कहूँगा कि अजकल पंजाब दे विच जिहड़े गीत चल रहे हैं, तुसीं तां जानदे हो किस तरह गैंगवार के गीत चलते हैं, कतलोगार के गीत चलते हैं, हथियारां दे गीत चलते हैं, कुड़ियां मुंडियां दे गीत इलावा कोई गीत नहीं चलते। तो दूजा कलाकार कोई हिम्मत ही नहीं करता यार कोई मैं चंगा गाना गा के ते पंजाबी अपनी मां बोली नूं दे दां। सरकार नूं भी चाहीदा कि हथियारां वाले दूजे गाने नूं छड्ड के जे कोई लिखारी कोई गीतकार चंगा गाना लिखता है उस गीतकार दे नाल नाल जो गाउण वाला आ वीर जिहड़ा जिस कलाकार ने गाना गाया होवे कोई चंगा सभ्यक भाषा दे विच उस लिए उन्हें सरकारी तौर पर भी कोई सम्मानित किया जाए कोई सम्मान दिता जाए ताकि आने वाले समय के जी चंगी कलम ते चंगी गायकी जी सा प्रफुल्लित हो सके साड़ी आने वाली पीढ़ियों को कोई संदेश मिल सके ऐसे शब्दों के नाल कि चंगा लिखा है चंगा गाया है साड़ियां धीआं भैणां सुन सकन एक मैसेज मिले एक सुनेहा मिले कोई मोटीवेशन मिले कि हाँ सही है उन्होंने सुन के कोई कोई जी सेहत दे जा सके इहो जिहे गीतकारां नूं ते इहो जिहे गाउण वाले जिहड़े कलाकार ने उन्होंने भी सरकारी तौर पर सम्मानित किया जाए ताकि हर कोई उत्साहित होवे पंजाबी मां बोली चंगा सुन लई चंगा लिखण लई चंगा बोलण लई। जी बिल्कुल, मैनूं लगता जो सोढ़ी साहब ने या बाद साहब ने जिहड़ियां गल्लां कहियां ने जिहड़े सुझाव दिते ने उह सारे सुझाव बड़े वाजिब ने और इन्हां दे उत्ते जे काम होवे ते पंजाब दे विच जिहड़ी नौजवानी उहनूं पंजाबी दे वल प्रेरित किया जा सकदा है। और जिहड़ी एक तुसीं गल कीती है कि गन कल्चर नूं उहदे ते सीएम भगवंत मान उहनां दा पिछे जे बयान भी आया उन्होंने सख्त हिदायतां उहनां नूं दित्तियां कि इदां दे गन कल्चर नूं प्रमोट ना किया जाए, पर तुहाडे जिहड़े बाकी पॉइंट जिहड़े सारे बड़े वाजिब आ मैनूं लगता उहदे ते काम होना चाहिए। और संधू साहब नाल दी नाल नोट भी कर रहे हैं जो तुहाडे वल्लों सुझाव दिए गए ने उह सानूं लगता भी आने वाले समय दे विच जिहड़े ने उह लागू भी होणगे। सो तुसीं साडे नाल जुड़े सोढ़ी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बाट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं जुड़े इंडिया न्यूज़ पंजाब दे नाल और तुसीं अपनी गल नूं साडे सामने रखिया साडे दर्शकों के सामने रखिया कि पंजाबी दे उत्ते मैनू नहीं लगता कि इन्नी जुझारू तरीके दे नाल इन्ने वधिया तरीके दे नाल चर्चा किसी न्यूज़ चैनल दे विच करनी बड़ी औखी है क्योंकि हमेशा मुद्दा किसी होर पासे चल जाता, पर बड़ी खुशी हुई कि अज मुद्दा पंजाबी और माँ बोली दे इर्द गिर्द ही घूमता रहा और सानू वधिया जिहड़े संदेश अज तुहाडे वल्लों सुणन लई मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो साडे नाल आम आदमी पार्टी तो इंदरजीत संधू हुणी साडे नाल मौजूद ने, उन्हां दे नाल गलबात करांगे और क्योंकि अज मान सरकार दे वल्लों जिहड़ा फैसला लिता गया है उहदे उत्ते संधू साहब तुसीं की कहना चाहोगे, जिहड़ा अज दा फैसला है उहनूं तुसीं किस तरह देखदे हो, आने वाले समें दे विच पंजाब दे विच इस दे नाल किन्ना कु बदलाव आएगा? बिल्कुल, इहदा बहुत वधिया असर देखण नूं मिलेगा, पर मैं जिहड़ा दीप जी ने सुझाव दित्ते ने उह बहुत मैनूं अच्छी लगी गल और इन सारिया चीज़ों नूं सरकार तक असी पहुँचदा करांगे। और जिहड़ा गन कल्चर ते जिवें गल कीती, मैं एक जिन्हें अड अड समुदाय नाल संबंधित लोग ने जिहड़े आगू साहिबान ने भावें एस जी पी सी है भावें अकाल तख्त साहब के जथेदार साहिबान ने भावें कोई हिंदू समुदाय के नाल संबंधित ने भावें मुस्लिम समुदाय के नाल संबंधित ने, उन्हां आगू साहिबान नूं भी बेनती करांगा भी वह अपने बयानात जिहड़े ने वह अजिहे संदेश देण जिहदे नाल जिहड़ा अच्छा माहौल बने, ना कि कोई गन कल्चर वाला जां इस तरह का माहौल बने। और दूजी मैं बेनती एस जी पी सी नूं भी करांगा कि जिहड़ा अंग्रेजी के सिलेबस जिहड़े ने वह पढ़ाए जाते हैं वह भी जिहड़ा वह बड़ा गौर करन वाली गल है भी पंजाबी नूं किवें प्रफुल्लित किया जाए, ये एस जी पी सी नूं भी नाल नाल काम करना चाहिए और लोग समूह पंजाब के लोग जिहड़े ने वह भी नाल इहदा कल्ली सरकार नहीं कुछ कर सकती, असी करांगे कोशिश तुसीं भी नाल साथ दवो साडे साथी बनो असी हमेशा पंजाबी नूं प्रफुल्लित करने लई तैयार हां। जी जी, कुछ लोगों के सवाल सी ते डी ग्रुप नूं लैके सीगा, मैं फिर तो तुहाडे कोल आवांगा और की आने वाले समय दे विच ये पूरे पंजाब दे विच सारे लोगों के लिए ये जिहड़े नौकरियां दे लई कहीए या जिहड़े सरकारी अदारे ने जिदा कि एक उन्होंने गल की कि कोर्ट दे विच जिहड़ा फैसला वो अंग्रेजी दे विच सुना जांदा, की आने वाले समय दे विच असीं उम्मीद करदे हां कि पंजाब दे विच पंजाबी दे विच सारा कुछ कन्वर्ट हो सकदा है? देखो अगे जिन्ना भी पंजाबी वास्ते किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ भी हुणे असी सवेरे असी आह स्टैप लै लवांगे, पर जिवें भी जिन्ना भी योग हो सकता है वध तो वध ये कोशिश की जाऊगी कि पंजाबी नूं प्रफुल्लित किया जा सके पंजाबी नूं कायम किया जा सके। जिहड़ा अपना इहदे विच जिहड़ियां सरकारी स्कूल ने सरकारी स्कूलों के जिहड़े अध्यापक ने उहनां बेलोड़े जिहड़े कम ने उन्हां दे कोल उह नहीं लै जाणगे, सरकारी स्कूलों जिहड़ा तगड़ा किया जाएगा सरकारी स्कूलों नूं पैरा सिर किया जाएगा, कुदरती है भी जिहड़ी पंजाबी अपने आप जिहड़ी है होर
जी वधेगी फुलेगी और अगे वधेगी। तुसी बेलोड़े कामों की गल की बिल्कुल तुहाडी इस गल दे उत्ते कि पहले समयां दे विच जिहड़े सरकारी टीचर सी उन्हां दी इही डिमांड रहिंदी सी कि साडियां ड्यूटियां लगदियां रहिंदियां ने, असीं बच्चों नूं चंगी तरह पढ़ा नहीं सकते या साडू समां ही नहीं असीं बच्चों नूं चंगी तरह दे सकते। तो मान सरकार इहदे लई की कदम जिहड़े ने उह चक सकदी है कि जिहड़े बच्चे ने उह टीचर दे टच दे विच रहिण, टीचर ज़्यादा समां स्कूल दे विच बिताण। नवीन जी जिहड़े अध्यापक ने अध्यापकां वाला काम ही उन्हां तों लिया जाएगा, यह नहीं होगा कि बच्चे जिहड़े ने स्कूल बैठे ने और मैडम जिहड़ी उह साग तोड़न गई हुई है, इस तरह के काम नहीं किए जाएंगे। उन्होंने जोड़े दूजे जोड़े होर भी जोड़े ने सरकारी तौर पर उन्होंने ड्यूटियां लाइया जाने, वो टीचर बेचारे खजल खुआर हो जाते हैं, वो भी जोड़ा उन्होंने खजल खुआर जोड़ा नहीं किया जाऊगा। और जी बदलिया के संबंध में भी जोड़ा सही जी नीति है वह अख्तियार की जाऊगी, भावें 250 किलोमीटर दूर जोड़े बैठ जोड़े अध्यापक ने उन्हों वास्ते 200 किलोमीटर भावें 150 किलोमीटर वास्ते उन्होंने भी जोड़ा खजल खुआर ना होना पवे, ता कि जड़ा सही जड़ी विद्या जड़ी वो पंजाब के जड़े बच्चे ने उन्हां तक पहुँचती हो सके, वो ये ना कहन कि उत्थे अध्यापक नहीं आउंदा जां वो सही ड्यूटी जड़े ने वो आपदी कर नहीं रहे। उन्हां नूं जिथे असीं मतलब कि उन्हां तों ड्यूटी सही लवांगे उत्थे उन्हां नूं जड़ा बराबर जड़ा उन्हां नूं बनदा माण सत्कार है वो भी दवांगे जी। कुछ बच्चों ने सवाल किया कि साड़ी जी राखवाकरण जो 90% हरियाणे के वांगू होवे उहदे लई की हो सकता आने वाले समय। मैनू लगता है कि मनुखता नूं जिहड़ा एवें वंड के नहीं वेखना चाहिए, जदों जिहड़ा भाषा लाजमी 50% जिहड़ी उह जदों आपां कर दिंदे आ कि 50% अंक होने जरूरी ने कि कुदरती तौर पर जिहड़ा पंजाबी नाल जुड़िया होएगा वह अगे आ जाएगा। जेकर कोई इन्ना ही जिहड़ा चाहवान है जिहड़ा कोई जिहड़ा पंजाबी पढ़ता है जिहड़ा पंजाबी नाल बहुत जुड़िया होया जेकर वह एक अद्धा नौकरी लै भी जाता है, मेरे ख्याल से तो आपां नूं तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, सानू उहदी सराहना करनी चाहिए है जी। पुरानिया सरकारां ने बड़े बाहर जाने लई बच्चों बड़े प्रलोभन दिते भी असीं तुहानूं आह कोर्स करा देंगे, असीं आह करा देंगे, तुसी बाहर जाना चाहते हो असीं तुहानूं लोन भी दे देंगे, पर आम आदमी पार्टी एक इदां दी सरकार सी जिहने कहा कि असीं जिहड़े गोरे ने उह पंजाब दे विच काम करन आ रहे, तो कि अज वह जिहड़ी तुहाडी कही हुई गल सी तुहाडी सरकार दी कही हुई गल सी कि अज उहदे उत्ते पूर पाण दे लई इह जिहड़ा फैसला है उहनूं मद्देनज़र रखदे लिता गया। इहदे लई बहुत कुछ करन दी लोड़ है, अजे तां पंजाब नूं पैरां सिर करना है, पंजाब दा जिहड़ा करजा उतारना है, पंजाब नूं जिहड़ा हर खेत्र दे विच अगे लैके जाना है। इहो जिहा माहौल बणूगा कि जिहड़े नौजवान ने जिहड़े उह प्लस टू करदे सार इह ना सोचण कि जहाज चढ़ जाइए, उह पंजाब दे लोक पंजाब च रहण लई तां तैयार होणगे, कानून दा राज होवेगा, जे जिथे उन्हां नूं रुजगार मिलेगा उत्थे इत्थे रहण दा भी जिहड़ा माहौल बनेगा, इत्थे गुड गवर्नेंस होएगी, भ्रिष्टाचार मुक्त पंजाब होएगा, जदों तुसीं दफ्तरां दे विच जाओगे कम आसानी नाल जिहड़े होणगे। सो बहुत कुछ करन दी लोड़ है, सारे उपराले असीं जिहड़े ने अग्गे होके करांगे। मेरा एक आखिरी सवाल मैं पहला भी पुछिया सी, दुबारा जिहड़े दर्शक सानूं सुन रहे ने जां जिहड़े नौजवानां दा सवाल आया सी कि नायब तहसीलदार दीआं जिहड़ियां भर्तियां ने उहदे पेपर दे लई की तुसीं सरकार दे कोल, क्योंकि नौजवानों का सवाल है कि असीं चाहते हैं कि वह पेपर पंजाबी दे विच, क्योंकि एक या दो नंबरां दे करके कोई पेपर तो ना रह जाए, बच्चों का कहना है कि वह पेपर दोबारा हो सकता है या उहदे उत्ते कोई काम नहीं होना, जां आने वाले समय दे विच जो हुण जिहड़े अज हुक्म जारी होए ने उह आने वाले समय लई। देखो जिहड़ा पंजाब सरकार दा जिहड़ा अजे तक कोई इस तरह की जिहड़ी जे कोई प्रतिक्रिया मान साहब दी मुख्यमंत्री साहब दी सामने आई जां पंजाब सरकार ने इहदे विच कोई अमेंडमेंट कीती तां उह तुहाडे नाल जरूर सांझी करांगे, पर अजे जिन्ने कु वी हुक्म ने अज तो जिहड़ी गल होई है भविख दे विच जरूर असीं इह वादा करदे हां भी उहदे विच लाजमी होऊगा। की मान सरकार मान साहब दे कोल आह वाला सवाल जिहड़ा नौजवानां दा रखिया जाएगा? बिल्कुल, देखो काम पहुंच ही रहा तुहाडे जरिए, हो सकदा नहीं हो सकदा, पर तुहाडे जरिए भी पहुंच रहा है, असीं भी सुन रहे हां, पूरी सरकार सुन रही है। और जांदे जांदे तुसीं पंजाब दे पंजाबियां नूं की संदेश देना चाहोगे कि माँ बोली पंजाबी नूं अग्गे वधाउण दे लई की उन्हां नूं कम करने चाहिए ने और की रोल जिहड़ा है सरकार दे नाल नाल लोकां नूं किदां दा रोल अदा करना चाहिए है, तुसीं इहदे लई की कहना चाहोगे? बिल्कुल, लोक इहदे विच साथ देण, लोक जिहड़ा लोक भी जिहड़े ने उह पंजाब सरकार दा भी साथ देण और पंजाब सरकार जिहड़े तुहाडे लई वधिया जिहड़े फैसले लैण जा रही है और जिन्ना जिवें जिवें पंजाबी नूं जिन्हां कारणां करके पंजाबी पिछे रही और धक्की गई ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ
बखूबी साढ़े सामने रखा कि पंजाब सरकार दे वलों आने वाले समय दे विच होर जिहड़े अहम फैसले ने पंजाबी नूं पंजाबी बोली नूं मां बोली नूं अगे ले जाण दे लई जिहड़े भी फैसले लैने पए सरकार दे वलों ले जाणगे और पंजाब सरकार हमेशा वचनबद्ध है इस चीज़ लई कि पंजाबी भाषा दे करके सारे पंजाब दे विच सारे हिंदुस्तान दे विच सारे विश्व दे विच साडी पहचान है सो उस पहचान नूं कायम रखण दे लई मान सरकार दे वल्लों अज वड्डा फैसला लिता गया पर यह देखना होएगा कि आने वाले समय दे विच इन्हां नूं काबिज रखण लई किदां दे कानून बनाए जांदे ने और पंजाबी मां बोली नूं अगे होर प्रचलित करन लई प्रफुल्लित करन दे लई किहड़े किहड़े कदम लिते जांदे ने होर खबरां देखण लई बने रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब दे नाल फिलहाल मैनूं दिओ इजाजत धन्नवाद।